नमस्काराः मित्राणि, सुनीलोहम्। संस्कृत विषय अध्ययने भवतां भवतीनाञ्च हार्दं स्वागतं करोमि। नमस्कार दोस्तों, हम लोग UGC नेट GRF की तैयारी कर रहे हैं और उसमें से हम लोग व्याकरण की यूनिट के अंतर्गत ऋजंत प्रकरण को पढ़ रहे हैं और आज हमारा ये चौथा भाग हो सकता है ऋजंत प्रकरण का। इसके बाद एक भाग और आएगा और इन पांच भागों में ऋजंत प्रकरण पूरा होने वाला है। तो मित्रों, आप सब लोगों को आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं अपना पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए और वाक्य का उदाहरण भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा तो मैंने भी वहाँ पर वाक्य सिद्ध नहीं किए थे और कहीं वाक्यों में त्रुटियाँ हो रही होंगी। और आप लोगों को पहले से कहा गया था कि यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप एक दो वाक्य कमेंट बॉक्स में दें और उससे मैं भी कुछ सीखूँगा और आप लोग भी ज़्यादा इस चीज़ को सीख पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग सूत्र को पढ़ लेते हैं, सूत्र की वृत्ति स्पष्ट हो जाती है, उदाहरण स्पष्ट हो जाता है, किंतु हम उसका वाक्य प्रयोग नहीं कर पाते हैं, कुछ समय बाद उसको भूल जाते हैं, वो हमारे विस्मरण हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोगों को अत्यधिक जानकारी तभी हो पाएगी जब आप लोग उसे दैनिक जीवन में आप लोग उसका ग्रहण करेंगे इन प्रयोगों का। तो आज ज़्यादा न बोलते हुए सीधे सूत्र पर आता हूँ। आज सूत्र है तिष्ठते रित। यह सूत्र है, इसको अलग अलग करेंगे। तिष्ठते इत। आप लोग विच्छेद करते ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो यहां पर देखेंगे तिष्ठते है, यह षष्ठी विभक्ति एकवचन, और जो इत है वो प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। तो अब षष्ठी, जैसे हमें षष्ठी अर्थ लगा तो हमने अर्थ क्या लिया कि जो तिष्ठ है उसको इत होवे, जो तिष्ठ है उसके स्थान पर इत होवे, तो इतना अर्थ हमने सूत्र से लगा लिया। अब इसकी वृत्ति देखेंगे। वृत्ति में दिया है उपधाया इत आदेश स्यात चंग परे णव। देखो, वृत्ति भी आपको बिल्कुल समझ में जाएगी कि उपधाया, उपधा के, उपधा को या उपधा के स्थान पर इत आदेश झलाम जो सुनते इत आदेश हुआ, तो उपधा के स्थान पर इत आदेश होवे कब होवे, स्यात विधिलिंग का है, स्यात होवे चंग परे, यहाँ स्तोश्चुनाश्चु से इश्चुत संधि है, चंग परे हो, और चंग परे होने से हो और णी भी परे हो, णी कौन है, णिच प्रत्यय का णी परे हो। इतना सब, इतनी शर्तें पूरी होने के बाद जो तिष्ठ में अर्थात तिष्ठ दिया है, यहाँ पर हमें स्था मिलेगा, जो स्था का जो आकार होगा, आकार होगा उसको इकार की, उसके स्थान पर इकार हम करने वाले हैं। तो आपने देखा कि उपधा को इतादेश होवे कब होवे, चंग परे हो, चंग का मतलब अ हो और णी परे हो। इतनी सब चीज़ें होने के बाद ये तिष्ठ धातु, मतलब तिष्ठते जो दे रखा है उसके स्थान पर इतादेश हो गए। तिष्ठ बनता है इस्था धातु का, पहले तो इष्ठा गति निवृत्तो है, उसी का इस्था बनता है। ये बहुत सारी प्रक्रिया, कभी इष्ठा बन जाता है, कभी इस्था बन जाता है। तो यहाँ पर इस्था को ग्रहण करके हम इस क्रिया की सिद्धि करने वाले हैं। तो आइए, इस सूत्र का उदाहरण है अतिष्ठिपत। मूर्धन्य सकार है। अब प्रारंभ से हम देखेंगे इसको, धातु है इस्था धातु, हेतुमति चौसे निच करके ई बचेगा। अब आपके सामने इस्था ई बन गया। इतना करने के बाद आप सब लोग सब कर सकते हैं। देखो, प्रक्रिया तो वैसे प्रारंभ से बहुत बड़ी है, इतना अत्यधिक विस्तार न बताते हुए आपको मैं मतलब बहुत संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ।
आपको पता है ये लुंग लकार का है, तो लुंग लकार आ जाएगा अद्यतने लुंग, और उसके बाद तिप कर लोगे, तिप सब करने के बाद तिप भी हो जाएगा, अटकागम हो जाएगा, चिली हो जाएगा, चिली के स्थान पर सिच की प्राप्ति थी, सिच को लो सिच को सिच के स्थान पर निषेध करके णी श्री त्रु स्त्रिभ्यो चंग से चंग आदेश हो जाएगा। अब चंग में गकार चौ चला गया औ बचा। अब इतना सब करने के बाद अब हम देखेंगे इसको। अब यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ओ स्था ई ओ तिप। ये अडागम का ओ है, ये स्था धातु है, ये अणीश का ई है, ये चंग का ओ है, ये प्रथमा पुरुष एकवचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय है, ये कर्ता के लिए, कर्ता के स्थान में तिप प्रत्यय है। अब हम सूत्र को देखेंगे। इसने कहा कि उपधा के स्थान पर इत आदेश हो जाए कब, चंग परे और नौ परे। उपधा मिली, ये उपधा किसे कहते हैं, अलो अंत्यात। यहाँ पर स्था को देखने से एक प्रश्न और मन में आता है कि हमने इससे पहले का पूर्व सूत्र पढ़ा था, अर्ति ह्री व्ली क्न्यूई क्षमा यादाम पुंग लौ। इस सूत्र के द्वारा पुक का आगम भी हो जाएगा, पुक करके कौ चला जाएगा, ऊ चला जाएगा, केवल पौ बचने वाला है। अब इसकी प्रक्रिया को देखेंगे कैसे होता है। अब यहाँ पर इस उदाहरण की प्रक्रिया इस प्रकार से हो गई है, अडागम का ओ, स्था धातु, पुक्का पो, चंका ओ, पहले यहाँ पर ई, चंका ओ और तिप प्रत्यय, वो चला जाएगा और बचेगा। अब इस स्थिति में अब कहता है ये सूत्र तिष्ठतेर इत कि उपधा के स्थान पर इत आदेश हो। उपधा कौन हुआ, अंतिम वर्ण से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, तो स्था है, अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, ये स्थाप पूरा देखेंगे, स्थाप को ले लेंगे, स्थाप अंतिम वर्ण हो गया प, और प से पूर्व अलवंत्यात पूर्व उपधा, उपधा आ मिलेगी, तो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर इकार कर देंगे तो ओ थिप स्थिप ई ओ बराबर थिप। इतना अब बन चुका है। इतना बनने के बाद चंगी सूत्र से दित्तु हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक चंगी सूत्र हमने पढ़ा अभी, चंगी सूत्र से द्वित्व हो जाएगा तो स्थिप स्थिप ई होता। अब ऋणेर निटि से इस सूत्र का, ऋणेर निटि सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा, और इतश्च से इस पकार का लोप हलंत्यम से, और इतश्च से इसका लोप करके यहाँ केवल तो बचेगा। अब स्थिति अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर भी पूर्व की पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। अब हलादि शेष हो जाएगा, हलादि शोषणी शेष होने के बाद भी एक यहाँ पर मुख्य प्रक्रिया है, वह आपको देखना पड़ेगा, वो है सर्वपूर्वाह खय। यह सूत्र है सर्वपूर्वाह खय। कहने का भाव ये है कि आपको इन दोनों द्वित्व में पूर्व वाले जिसके अभ्यास संज्ञा हुई है, यहाँ पर यदि सर मिलता है तो सर में से केवल खय प्रत्याहार का ही वर्ण बचे, बाकी सबका लोप हो जाए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर खय प्रत्याहार में केवल थकार आता है, तो यहाँ पर केवल थकार बचने वाला है, इसको हम सफाई करके
अब पुनः आप लोगों के सामने पूरी प्रक्रिया लिखूंगे। सबसे पहले अकार अडागम वाला, उसके बाद केवल इसका केवल खई सर में से, सर पूर्वा खई में से केवल खई प्रत्याहार का हमारे सामने थ शेष रहेगा। अब यहाँ पर अडागम का अ, ये पूर्वाभ्यास से द्वित्व करने के बाद अभ्यास संज्ञा हलादि से सर पूर्वा खई से केवल थकार शेष बचा है, यहाँ पर दूसरा द्वित्व ये हो गया, ये पकार में ये चंका ओ मिल गया, ये तिप प्रत्यय का तो बचा है। अब इस स्थिति में अब आगे अभ्यासे चर्चा एक सूत्र है, अभ्यासे चर्चा वो इस थकार को कर देगा तकार। अभ्यासे चर्चा इस सूत्र से प्रथम थकारोत्तर वृद्धिकार के स्थान पर तकार होकर के ये ती बन जाएगा। आदेश प्रत्ययो इस सूत्र से इस द्वित्व वाले इस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार होकर के ये ऐसा बनेगा। अब इस मूर्धन्य सकार का योग थकार के साथ होने पर इष्टुनाष्टु सूत्र से इस थकार को ठकार हो जाएगा। अतिष्ठी पौ, ये पौ में चंग का औ मिल गए, ये तो हो जाएगा। अब पूरा एक बार लिखेंगे, आपको समझाएंगे। अतिष्ठिपत ये बन गया। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये मुख्य सूत्र। देखो प्रश्न में, अगर परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो प्रश्न इतना लंबा नहीं आएगा, या तो इसका उदाहरण आएगा या यह सूत्र क्या करता है ये आने वाला है। तो परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार करने के लिए आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि यह सूत्र उपधा के आकार को इकार करता है, मुख्य है। और द्वितीय कि अतिष्ठिपत यह सूत्र किस सूत्र का उदाहरण है, तिष्ठते इत, ये ऐसे दो प्रश्न आ सकते हैं। तो हमने फिर भी आपको पूरी सिद्धि बताई है। अब इसका एक वाक्य प्रयोग यदि कर सकते हैं तो देखेंगे, आप लोग तो करते नहीं हैं, शायद वीडियो पसंद नहीं आ रही है, और कोई बात नहीं, अपना प्रयत्न करते हैं, कभी ना कभी हमें फ़ायदा देगा थोड़ा सा भी प्रयास है। तो जैसे एक वाक्य है कि मोहन अद्य प्रातः नववादने भ्रमणार्थम अगमत, कि जो मोहन है आज केवल आज प्रेजेंट में सुबह प्रातःकाल में 9 बजे भ्रमण के लिए गया। अब प्रतिदिन जाता है, लुंग लकार है तो अद्यतन लुंग होता है, जो आज सुबह की बात है तो लुंग लकार में अगमद बनता है, प्रथमा पुरुष एकवचन में, तो उसकी डेली जाने की प्रक्रिया है, डेली जाता है। लेकिन जाते जाते वह इतना आलसी है कि वो भ्रमण करने इसलिए जाता है कि वो दिन भर भ्रमण में ही रहे, केवल 12 बजे फिर जब खाना होता है, भूख लगती है, तब अपना पेट में खुजाते घर में आता है, भाई खाना पीना दे दो ऐसे। तो सोहन को उसकी चालाकी पता है, तो सोहन को पता है साला 9 बजे जाएगा तो कम से कम ये 12 बजे आने वाला है, फ्री में खा जाएगा, करना मुझे पड़ेगा, दाल भी छोकूंगा, टमाटर 50 वगैरह वगैरह चीज़ करूँगा। तो वह क्या करता है, उसको भ्रमण के लिए रोकने के लिए प्रेरणा देता कि बेटा भ्रमण मत करो। तो उसके वाक्य बनाएंगे सोहन तम मोहनम, जो पहले वाक्य में गया था भ्रमण के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, अतिष्ठिपत भ्रमणार्थम, उसको न जाने के लिए प्रेरणा करता है कि घूमने मत जा, वहाँ पर शेर आया वगैरह वगैरह की कहानियाँ बनाता, सब बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने वाक्य प्रयोग किया है, और वाक्य प्रयोग मैं स्वयं कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई त्रुटि भी हो सकती है, तो आप त्रुटि को भी बताइए, तभी आनंद आने वाला है। धन्यवाद, नमः संस्कृताय। एक बार पूरा प्रयोग कर लेते, मोहन अद्य प्रातः नववादने भ्रमणार्थम अगमत, सोहन तम मोहनम अद्य प्रातः नववादने भ्रमणार्थम अतिष्ठिपत, ये हमने एक वचन के लिए बनाया। और यहाँ पर इसके लुंग लकार में रूप चलने वाले हैं, अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपताम, अतिष्ठिपन, अतिष्ठिप, अतिष्ठिपतम, अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपम, अतिष्ठिपाव, अतिष्ठिपाम, इस प्रकार से रूप बनेंगे। आप लोग एक एक वाक्य का प्रयोग कीजिए तो आप लोगों के दैनिक जीवन में ये चीज़ उतरने वाली है। धन्यवाद मित्रों, नमः संस्कृताय।